सुदामा के पास ब्रह्मा रूपी धन था, वे जितेंद्रिय थे, स्वाभिमानी थे, शांत चित व्यक्ति थे। आज जो लोग अपार धन दौलत होते हुए भी सोने के लिए नींद की गोली का सहारा लेते हैं, अगर वे सुदामा के जीवन चरित्र से शिक्षा लेकर सुदामा जैसे बन जाएं तो उनकी सारी बेचैनी दूर हो सकती है। यह उदार भगवताचार्य दिनेश दीक्षित ने बम्बई वाली बगीची में कथा के समापन पर सुदामा चरित्र की कथा का वर्णन करते हुए किए। इस दौरान अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो और मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, जैसे भजनों पर भक्त झूमते रहे। कथा समापन पर भक्तों ने व्यास पूजन कर कथा का रसपान कराने के लिए व्यास जी का आभार व्यक्त किया। आगरा में मैं योग की क्लासेस चलाती हूँ। एक दिन आचार्य जी हमारे केंद्र पर आए और केंद्र पर आके उन्होंने कथा के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे हम एक तारीख से कथा शुरू करने जा रहे हैं। बस आचार्य जी ने एक दो श्लोक बोले और उनका मीनिंग बताया, बस उनकी बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए हम लोग कि उनकी कथा में खींचे चले आए। एक तारीख से लेकर आज तक हम 7 तारीख है, आज कंटिन्यू उनकी कथा का रसपान कर रहे हैं और इतना आनंद आ रहा है उनकी कथा में। इतने मतलब ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। कथाएं तो हमने बहुत सारी सुनी और रोज़ सुनते हैं, टीवी पे भी आती हैं, अगल बगल हमारे घर के आसपास भी बहुत सारी कॉलोनी में, मंदिरों में होती हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद आचार्य जी की कथा का जो रसपान किया है उसका कुछ अलग ही आनंद है। मतलब संस्कृत में इतना अच्छा उन्होंने बोला है और समझा समझा के एक एक बात को। हाँ, कथा का आज समापन है तो जो एक हफ्ते का हमने रसपान किया है उसका अंत तो एंड आ रहा है, लेकिन लगता है कि वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे, इतना आनंद आया है। और सबसे अलग बात आचार्य जी के एक्सप्लेनेशन में ये है कि इन्होंने संस्कृत, जो हमारी संस्कृति है, उसको लेकर चले हैं और उसका मतलब इतने अच्छे से समझाया है कि हम बिल्कुल अंदर तक मतलब स्नान हो गया है हमारा। तो युवा पीढ़ी और हो गए। हाँ जी, युवा पीढ़ी कथाओं के पीछे नहीं आती है, क्या उद्देश्य रहते हैं? युवा पीढ़ी आजकल ये जो भागदौड़ का जो समय है ना, ये युवा पीढ़ी को इकट्ठा करना बड़ा असंभव तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है काफी और समय लगेगा। जब जगह जगह से ठोकरे खा लेंगे तब समझ में आएगा कि इसका क्या महत्व है। राजा परीक्षित, शरीर मित्तल, विनीता मित्तल, बबिता, शालिनी टंडन, सी के अग्रवाल, प्रतिभा जिंदल, श्वेता अग्रवाल आदि ने मिलकर आरती उतारी। कथा के समापन पर भगवताचार्य दिनेश दीक्षित ने संकल्प लेकर यह घोषणा की कि वे अपने भागवत सेवा ट्रस्ट के माध्यम से ताज नगरी में किसी रमणीय स्थल पर विशाल भागवत भवन की स्थापना करेंगे, ताकि जन जन तक धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के प्रसार के साथ प्रभु के कल्याणकारी चरित्र का गुणगान सदैव चलता रहे।